पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भाजपा पर किया तीखा हमला। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर साथ ही पार्टियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। इस कड़ी में आज इटावा विधानसभा के बिस्कोहर कस्बे में समाजवादी पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सपा के दिग्गज नेता इटावा से कई बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। किसान, बेरोजगार, कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ेंगे, धर्म पर नहीं। इस जनसभा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस जनसभा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों का शोषण और लोगों की समस्याओं का निदान समाजवादी पार्टी के माध्यम से होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा पाएंगे और दूसरी पार्टियां केवल अपने स्वार्थ में लगी हैं। इस जनसभा का संदेश यही है कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होके अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इससे निजात पाने के लिए अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, हम जो चुनाव लड़ेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों का जो उत्पीड़न है, जो पुलिस का भ्रष्टाचार है, ये हमारा मुद्दा होगा। धर्म तो अपनी जगह पर। सर, कितनी सीटों के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? देखिए, ये तो हम कहाँ कर सकते हैं पूरे सूबे भर का, लेकिन हम जानते हैं सपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी।